नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर में 8 नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिले के टोटल 17 नगर निकायों में से अभी 8 नगर निकायों में ही सपा ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। सपा ने बुलंदशहर, गुलावटी, औरंगाबाद, खुर्जा, जहांगीराबाद, डिबाई, नरौरा और खानपुर से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। बुलंदशहर में निकाय चुनाव 2023 के लिए समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पंडित, गुलावटी से काले पहलवान, खुर्जा से रजिया चौधरी, जहांगीराबाद से अजीत सिंह, डिबाई से असलम, नरौरा से पूजा देवी, खानपुर से जावेद सैफी और औरंगाबाद से शकीला बेगम बतौर प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर, नगर निकाय चुनावों को लेकर कानपुर कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित कानून व्यवस्था को शांत बनाए रखने के लिए चाक चौबंद दिख रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड और कानपुर डीएम की अगुवाई में कानपुर में भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद, मदरसे और संगीन जगहों पर पैदल यात्रा कर धर्मगुरुओं से मिलकर बातचीत की है। त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की हिदायत दी गई और कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईद का त्योहार नजदीक है, ऐसे में इस त्योहार को देखते हुए पुलिस बल भारी मात्रा में तैयार किया जा रहा है। लोकल थानों की पुलिस के साथ पीएसी के साथ साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। ईद के आयोजन के लिए पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय किया जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, क्विक रिएक्शन टीम, सभी कुछ डिप्लॉय किया जा रहा है। पुलिस विभाग में तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी बड़ी संख्या में है, लगभग 5000 की संख्या में। ये भी हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और मददगार हैं। जगह जगह हम कैमरे भी डिप्लॉय कर रहे हैं, PTZ कैमरे, ड्रोन कैमरे, स्टैटिक सर्विलांस कैमरे, तो पूरा का पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म गियर अप करके हमने लगाया है। हरदोई जिले में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में ड्यूटी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाग और खेत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापे मारकर पुलिस ने 3 हथियार फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री संचालकों के पास से बड़ी तादाद में निर्मित और अर्ध निर्मित अवैध असलहे और असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। अब पुलिस इन्हें जेल भेजने के साथ ही इनके फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। ये आगामी ये नगर निकाय चुनाव जो कि बस मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर जनपद में होने वाला है, इसमें जो 13 थाना क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, इसमें असामाजिक तत्वों, अपराधियों द्वारा अवैध शस्त्रों का प्रयोग किए जाने की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों की तलाश में लगाया गया था, जिसमें कि आज ये अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में और CO हरपालपुर, CO शाहबाद के सुपरविजन में भारी सफलता मिली है पुलिस को, हरदोई पुलिस को। वहीं बुलंदशहर में टावर से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के 5 शातिर सदस्यों का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से बैटरी, घटना में इस्तेमाल गाड़ी, अवैध हथियार, कारतूस बरामद किया है। जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात दोनों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा कैंप जिसमें 5 शातिर अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। जिनके पास से जो टावर होते हैं, टावरों की बैटरी चोरी होने किया है और 12 बैटरी, 4 तमंचे, 315 फुट के और 1 एसएम का। निकाय चुनाव में चिरगांव सीट से दावेदार भाजपा प्रत्याशी संजय राजा चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध प्रत्याशी चुनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पहले तो मैं बधाई देता हूँ जो निर्वाचित हुए हैं, श्री राघवेंद्र जी, संजय राजा जी,
जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी, चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी के सिमरावरी के व्यापारी के साथ कुछ बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने दो दिन पहले एसओजी और बबीना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था और दो फरार हो गए थे जिनकी तलाश जारी थी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 की इनाम घोषित की गई, जिसके बाद आज फिर झांसी की बबीना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों के पैर में गोली लगने से उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, यानी कि बड़ी सफलता यहां पर झांसी पुलिस के हाथ लगी है। वांछित चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दोनों बदमाश पकड़े गए हैं। प्रयागराज जिले में अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच एसआईटी और न्यायिक आयोग कर रहा है। इस दौरान आज प्रयागराज में घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, उस रात जो कुछ भी घटित हुआ उसे दोहराया गया। एसआईटी और न्यायिक आयोग के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल को बारीकी से तराशा। घटनास्थल पर उन सभी पुलिसकर्मियों से जांच टीमों ने पूछताछ भी की जो घटना वाले दिन अतीक और अशरफ के साथ सुरक्षा ड्यूटी पर लगाए गए थे। यूपी के फतेहपुर में घर के बाहर सो रहे युवक पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जब तक परिजन बाहर निकले हमलावर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके का जायजा लेने के बाद थाना पुलिस को जल्द हत्या का खुलासा करने का निर्देश भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर समेत उनके पैतृक घर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां और सीएम योगी के भाई और बहन इस पैतृक घर में रहते हैं, जो कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को एसएसपी के निर्देशों पर कड़ी सुरक्षा दी गई है। घर के बाहर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के साथ ही जिले के समस्त थाना प्रभारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश एसएसपी ने पुलिस टीम ने दिए हैं, जिससे उस घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। एसएसपी ने समस्त थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि प्रयागराज की घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईदगाह के पास सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कोई यातायात को बाधित करता है तो हिंदू समाज के लोग बजरंग दल के नेतृत्व में वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं आनंद प्रकाश तिवारी ज्वाइंट कमिश्नर ने ईद पर होने वाली तैयारियों के बारे में बाकी कहा कि ईद पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की जाएगी, साथ ही हम सभी जगह फोर्स को तैनात करेंगे जैसे शरारती तत्वों द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जा सके जिससे पूरे आवाम को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो। बाराबंकी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, साथ ही अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधौलिया स्थित नहर के किनारे जंगल से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वही आरोपी के कब्जे से 8 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। बिजनौर में गैराज में रखा लाखों रुपए का सामान चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मामला थाना नूरपुर के गांव रोशनपुर जाकिर का बताया जा रहा है।
चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये मॉक ड्रिल यात्रा पंजीकरण कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप परिसर में की गई। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली कि किसी वजह से पहाड़ में यात्रा रोक दी गई है, इसलिए यात्रा ट्रांजिट परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है, जिसे नियंत्रण करने की जरूरत है। सूचना के आधार पर पुलिस और तमाम विभागों से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं की भीड़ को समझाकर नियंत्रण किया। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया है कि मॉक ड्रिल में सभी विभागों का आपसी सामंजस्य बेहतर रहा, सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां ठीक नजर आईं। तो चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसके मद्देनजर ये मॉक ड्रिल की गई और यहां पर व्यवस्थाएं जानने की भी कोशिश की गई है। बाईस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के दौरान अतिक्रमण ट्रैफिक में बाधा न बने, इसके लिए नगर निगम परिसर में बैठक हुई। नगर आयुक्त राहुल गोयल, एसडीएम सौरभ असवाल, सीओ संदीप नेगी, इंस्पेक्टर खुशराम पांडे ने संयुक्त रूप से बैठक में विचार विमर्श किए। निर्णय लिया गया है कि यात्रा काल के दौरान शहर में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण होने से ट्रैफिक बाधित होता है, आंतरिक मार्गों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सभी अधिकारियों ने लोगों से सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की है। चेतावनी भी दी है कि यदि शिकायत मिलेगी तो अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काट जुर्माना तो वसूल किया ही जाएगा, बार बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।